आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एंटार्क्टिका के बारे में बात करेंगे, जहां टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां कोई इंसान रहने तक की भी नहीं सोच सकता। तो आखिर वहां पर एटीएम मशीन्स क्यों लगा रखी है? यार सिंपल सी बात है, जब वहां कोई इंसान ही नहीं होगा तो एटीएम मशीन्स किस काम की? वहां तो पूरी तरह से पेंगुइन्स का राज है, और भला पेंगुइन्स को एटीएम मशीन्स का क्या काम? तो पहले तो हम इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाएंगे और उसके बाद एंटार्क्टिका जैसी ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में कुछ अद्भुत चीजें जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, नहीं तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों को नहीं जान पाओगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी है और ये मैकमर्डो स्टेशन के पास है। इन मशीन्स को वेल्स फार्गो के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को में है। इन्होंने बताया, जब एंटार्क्टिका में वर्कर्स एटीएम मशीन्स को लगा रहे थे तो उनकी पूरी तरीके से फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डेंटल चेकअप किया गया, क्योंकि बाय चांस अगर जिस प्लेन से वो आए हैं वो क्रैश हो जाता है या किसी तरीके से खराब हो जाता है तो उन्हें अगले सीजन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि एंटार्क्टिका में प्लेन का आना यार कोई आम बात नहीं है। तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी पहले से ही हो रखा होता था। तो अब बात करते हैं, आखिर एटीएम मशीन्स एंटार्क्टिका में क्यों है? जब रिसर्चेस का सीजन होता है तो लगभग 1000 लोग मैकमर्डो स्टेशन पर काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। वहां पर 2 बार्स, 1 कॉफी शॉप और 1 हैमबर्गर स्टैंड भी है, जहां पर क्रेडिट कार्ड और कैश वगैरह भी लिया जाता है। तो इसकी वजह से एंटार्क्टिका में एटीएम मशीन्स लगा दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर एटीएम मशीन्स लगाने का मोटिव क्या था, क्योंकि रिसर्चेस के दिन वहां पर एक आम जिंदगी जी जाती है। तो अब क्विकली एंटार्क्टिका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एंटार्क्टिका का एरिया यूरोप से भी बड़ा है और करीब ऑस्ट्रेलिया का डबल है। जिस बर्फ की चादर से एंटार्क्टिका पूरा लिपटा हुआ है वो करीब 1.6 किलोमीटर तक गहरी है। पूरी दुनिया का साफ पानी एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्या आपको पता है, एंटार्क्टिका में अभी भी वोल्केनोज फटते हैं, मतलब वहां पर अभी भी एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। तो आज हमने जो भी कुछ जाना है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने एटीएम मशीन्स एंटार्क्टिका में क्यों है इसके बारे में जाना, और कितनी है इसके बारे में जाना। 2 एटीएम मशीन्स है पूरी एंटार्क्टिका में, जिसे वेल्स फार्गो द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद हमने जाना कि एटीएम मशीन्स का रियल कारण क्या है, क्योंकि वहां मैकमर्डो स्टेशन में रिसर्चेस के वक्त करीब 1000 लोग होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि वहां पे एटीएम मशीन लगाते वक्त वर्कर्स का कैसे टेस्ट लिया गया था, उनकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डेंटल केयर किया गया था, क्योंकि बाय चांस अगर वहां पे प्लेन अटक जाता है तो हमें वहां पे जाने में करीब 1 साल लग जाएगा, मतलब अगला सीजन का हमें इंतजार करना होगा। फिर हमने लास्ट में एंटार्क्टिका के बारे में कुछ क्विकली फैक्ट्स जाने, जैसे एंटार्क्टिका का एरिया ऑस्ट्रेलिया का डबल है और जो बर्फ की जो उनकी थिकनेस है वो 1.6 किलोमीटर है। लास्ट में हमने ये जाना कि एंटार्क्टिका में अभी भी एक्टिव वोल्केनोज है, मतलब वहां पर वोल्केनोज अभी भी फटते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर देना। तो बस शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।